1940 से लेकर 1960s के बीच में जब न्यूक्लियर एनर्जी जैसी चीजों पर रिसर्च चल रहा था, तब इसे काफी एम्बिशियसली देखा जा रहा था। उस जमाने के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और जो भी लोग न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी पर काम कर रहे थे, उनका ये मानना था कि सारे एनर्जी नीड्स का एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा, जो होगी न्यूक्लियर एनर्जी। इस जमाने के अगर आप पेटेंट्स को छानो तो आपको न्यूक्लियर पावर्ड प्लेन्स, ट्रेन्स, कार्स, होम जनरेटर्स, ऐसी कई सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आज के डेट में हम जानते ही है कि न्यूक्लियर का एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा सीमित है। शिप्स, सबमरीन्स और सबसे इम्पोर्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को छोड़कर हमें कहीं पर भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होते हुए नजर नहीं आता। और इनमें से एक एप्लीकेशन जो कंसेप्चुलाइज किया गया था वो थे न्यूक्लियर पावर्ड ट्रेन्स। तो वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं न्यूक्लियर पावर्ड ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले 1950s के कुछ अर्लियर दिनों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ USSR के द्वारा सोचा गया था कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस के अंदर। ये वो समय था जब न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जो भी डेंजर्स है उन्हें पूरी तरीके से वाइडली समझा नहीं गया था। लोकोमोटिव्स की जरूरत इस जमाने में कॉन्स्टेंटली रहती थी कई सारे कामों के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी स्पीड में कार्गो को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, और स्पेशली आ रहे वॉर्स और इम्पेंडिंग वॉर्स के दौरान ट्रेन्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती थी। इस समय पर कई बार होता ये भी था कि फॉसिल फ्यूल्स या जो कार्बन बेस्ड फ्यूल्स है उनकी सप्लाई डिमांड ऊपर नीचे होती रहती थी, जिसकी वजह से ट्रेन्स और लोकोमोटिव्स को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। साथ साथ ये वो समय भी था जब धीरे धीरे लोगों को CO2 एमिशंस के इल इफेक्ट्स के बारे में पता चलना शुरू हो गया। साथ साथ लोकोमोटिव्स के अंदर काम करना एक काफी ज्यादा अनसेफ, अनहाइजीनिक और काफी ज्यादा थकाने वाला काम हुआ करता था। इन चीजों को देखते हुए लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को सॉल्व करने के लिए एक क्लीनर सॉल्यूशन के साथ में रशिया ने चीजों के बारे में सोचना शुरू किया, और इसके लिए उन्हें एक जस्टिफाइबल मीडियम लगा न्यूक्लियर पावर्ड ट्रेन्स। ये जमाना वो भी था जब रशिया पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड चीजों के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा आगे हुआ करता था, और इसीलिए उन्हें फंडिंग भी उनके गवर्नमेंट के द्वारा मिल गई। ट्रायल्स वगैरह भी शुरू हुए और रिस्क असेसमेंट शुरू हुआ। जब इस ट्रेन का डेवलपमेंट हो रहा था उसी समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी नेवी के लिए 1950 में पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च की, जिसकी वजह से छोटे स्केल पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना और ज्यादा फीजिबल लगने लगा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जरूरत नहीं थी, लेकिन जो पॉलिटिशियंस थे रशिया के अंदर उनके सामने एक और ऐसा चैलेंज आ गया कि अगर उन्हें उनकी जनता के सामने अपनी इमेज अच्छी बनानी है, बेसिकली अच्छा प्रोपोगेंडा करना है, जहां पर जिस तरीके से USA ने न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाए उस तरीके से वो भी कुछ बना सकते हैं, तो उन्हें न्यूक्लियर पावर ट्रेन की जरूरत होगी, ऐसा उन्होंने समझा। और इसके लिए इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा सपोर्ट दिया गया और एक गो ग्रीन इनिशिएटिव रशिया के द्वारा शुरू किया गया था 1950s में। तब समझते रशिया के ये लोकोमोटिव प्लान क्या थे। यहाँ पर USPTO नाम के डिपार्टमेंट ने पेटेंट्स को अलाउ किया इन तरीके के न्यूक्लियर लोकोमोटिव्स के लिए। और बेसिकली ये सिस्टम इस तरीके से था जहां पर एक लोकोमोटिव एक पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर को कैरी करेगा, यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ फ्लूइड्स को बॉइल किया जाएगा, जिसको एक इलेक्ट्रिक टर्बाइन के थ्रू पास करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा मोटर्स को ड्राइव करने के जो लोकोमोटिव्स को आगे बढ़ाएंगे। जनरली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर स्टीम जनरेट की जाती है, पानी को गर्म करते हैं जो फिर बाद में टर्बाइन्स को घुमाती है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट थोड़े दूसरे फ्लूइड्स के साथ में अलग था, और जो टर्बाइन्स यूज हो रही थी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाली नहीं थी, लेकिन आप कह सकते हो टर्बो जेट्स की तरह ये थी। और जो स्टीम इंजन होते हैं जहाँ पर स्टीम ही डायरेक्टली पिस्टन को ड्राइव करती है, उससे पूरी तरीके से अलग यहाँ पर बिजली बनाकर उनको बिजली सप्लाई की जाने वाली थी। साथ साथ यहाँ पर एक कूल कॉन्सेप्ट ऐसा रखा गया था कि जब इस फ्लूइड का काम खत्म हो जाएगा, बेसिकली जब टर्बाइन को घुमा दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली कूलिंग की भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जाएगा ट्रेन्स के मूविंग पार्ट के ऊपर, जिसके जरिए कूलिंग सिस्टम्स को लगाया जाएगा। बेसिकली मूविंग जो पार्ट्स होंगे उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगते हैं तो वो मूवमेंट के दौरान अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने में मदद कर सकते हैं, और बाद में इसके जरिए कूलिंग सिस्टम चलाया जा सकता है। तो ये एक पूरा राउंड लूप बनता था। ये वो समय भी था जब यूके ने भी अपनी खुद की न्यूक्लियर ट्रेन्स बनाने के लिए डेवलपमेंट शुरू कर दी थी, और इनिशियल डेज के अंदर इसे बहुत बड़ा सक्सेस भी माना गया, और इनफैक्ट कई सारी न्यूक्लियर पावर ट्रेन के प्रोटोटाइप्स जो है वो देखने के लिए भी मिले, जो रियलिटी में चलते भी थे। लेकिन ये 1960s तक पहुंच गए थे जब न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रेट हमें पता चलना शुरू हुए थे, और अब समझते हैं वो रीजंस जिसकी वजह से ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनने के बावजूद भी इसका वाइड स्केल एडेप्टेशन क्यों नहीं हो पाया। ये बात तो समझ गए थे कि न्यूक्लियर ट्रेन्स बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो अनफीजिबल बन रही थी। पहले थ्रेट्स और इश्यूज रिलेटेड हम बात करते हैं।
सबसे मेन इशू था रेडिएशन शील्डिंग का। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो एक्चुअल में प्रोसेस होती है फिजन की, वो कंपैरेटिवली लोगों से दूर होती है, कई ज्यादा शील्डिंग की उसे हेल्प मिलती है, लेकिन ट्रेन के अंदर ये कर पाना बहुत डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से कभी भी न्यूक्लियर ट्रेन के अंदर 100% सेफ शील्डिंग प्रोवाइड करने में रशिया या कोई दूसरा देश सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके अलावा एक मूविंग वेसल पर जब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जाता है, जहां पर वाइब्रेशंस, कर्व्स के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जैसी चीजें इंपैक्ट कर दी है, तो इसका ऑपरेशन और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता था। इसके अलावा ट्रेन स्पेशली वॉर के दौरान और ऐसे नॉर्मल में भी एक्सीडेंट प्रोन होने की आशंका ज्यादा थी कंपेयर टू दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। डीरेलमेंट, ट्रैक्स के ऊपर से ट्रेन का उतर जाना, वॉर्स के दौरान उनको अटैक किया जाना, ये ट्रेन्स के लिए ज्यादा लाइकली था। इसकी वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो बेसिकली मेल्टडाउन भी हो सकता था, जो कि उस समय पर पता चलने वाले जो खतरे थे रेडिएशन के, उसके हिसाब से बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं थी। साथ साथ फाइनली उसके अंदर इशू निकल कर ही आता था न्यूक्लियर फ्यूल की खपत का, न्यूक्लियर एनर्जी वेस्ट स्टोरेज का। उस जमाने में भी कोई अब तक प्रॉपरली देख नहीं पाया था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी के बाद में बनती हुई वेस्ट है उसे कैसे स्टोर किया जाए, कहाँ पे उसे सेफली रखा जाए, खास से उसे सेफली ट्रांसपोर्ट किया जाए, इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं थी। इस वजह से अगर न्यूक्लियर टावर ट्रेन्स बनती भी जिनका एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता, तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा था कि इसके बाद में जो रेडियोएक्टिव वेस्ट निकलेगी उसका किया क्या जाए। इन रीजंस की वजह से ये धीरे धीरे अनफिजिबल बनती जा रही थी। दोस्तों वैसे ये वो भी जमाना था जब हमारे देश के अंदर भी एटॉमिक एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा काम शुरू हो गए थे। पहले रिएक्टर्स को बनाने के लिए प्रपोजल्स सामने रख दिए गए थे, परमिशंस मिलने में अब कुछ ही देर थी, और भारत भी अपने एटॉमिक एनर्जी के मिशन के अंदर आगे बढ़ने वाला था, और इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर रिसर्च हो रहा था अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी के एप्लीकेशन से रिलेटेड। ऐसे ही ना सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी लेकिन कई सारे दूसरे साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बारे में आप कुकू एफएम पर सुन सकते हो, जहां पर आप हिंदी में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी जान सकते हो। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर हजारों घंटे का कंटेंट कुकू एफएम पर सुन सकते हो, कई सारे दूसरे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो कंटेंट्स के साथ में। कुकू एफएम देश का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर हजारों घंटों का कंटेंट हाई क्वालिटी के साथ में आपको सुनने के लिए मिलेगा, फिक्शन नॉन फिक्शन सारे वैरायटी में। कुकू एफएम आपको अपने समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, और अभी अगर आप कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक्सक्लूसिवली 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है 22 से लेकर 28 फरवरी के बीच में, जहां पर कूपन कोड FEB50 इसका इस्तेमाल करने पर आप अनलॉक कर सकते हो कई सारे रिच ऑडियो कंटेंट्स कुकू एफएम के लाइब्रेरी से, जो कि आपको मिलेंगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के परचेस के बाद। यानी FEB50 कोड इस्तेमाल करने पर जो 399 rupees का एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो आपको सिर्फ 199 rupees में मिल जाएगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कुकू एफएम का इस्तेमाल करना शुरू करें। अब अगर बात करें सेफ्टी के भी आगे, तो दूसरा जो मेजर इशू निकल कर आ रहा था वो था फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। ये बात तो हम समझ गए थे कि न्यूक्लियर ट्रेन बनना पॉसिबल है, लेकिन उनके कुछ खतरे भी है, लेकिन इनिशियल जो कॉन्सेप्ट रखा गया था न्यूक्लियर ट्रेन का, वो मेजरली इस हिसाब से था कि ये फाइनेंशियली ज्यादा सेंस बनाएगी, इनके ऊपर खर्चा कम आएगा, क्लीन तरीका ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन जो होती है न्यूक्लियर पावर के द्वारा, वो कंपैरेटिवली बहुत महंगी पड़ रही थी डीजल या इलेक्ट्रिक ट्रेन के कंपैरिजन में। इनको बनाना 20-25 times ज़्यादा एक्सपेंसिव था कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेन। इनका मेंटेनेंस भी ऑलमोस्ट 15 गुना ज़्यादा हुआ करता था, और इसके अलावा जो फ्यूल प्रोवाइड किया जाना था इन ट्रेन्स को, वो छोटी स्केल पर भी ठीक से प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये तो बहुत दूर की बात रही कि जब इन ट्रेन्स का मास एडॉप्टेशन होता, तो उसके बाद में हर एक ट्रेन, हर एक लोकोमोटिव को ये फ्यूल पहुँचाना और ज़्यादा महंगी बात बन जाती। इसके अलावा परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये ट्रेन इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं बन पा रही थी जितना उन्हें एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो सारी चीज़ों को अगर फैक्टर इन किया जाता, तो न्यूक्लियर पावर ट्रेन जो है वो डीजल या इलेक्ट्रिक ट्रेन के भी कंपटीशन में ठीक से नहीं आ पा रही थी अपने कुछ फायदों को छोड़कर। और टेक्नोलॉजी क्योंकि अभी भी डेवलपमेंट में थी, तो उसका मास डिप्लॉयमेंट, उसका मास प्रोडक्शन कर पाना भी बहुत ज्यादा महंगा और डिफिकल्ट होता। साथ साथ वॉर के बाद में जो सारी कंट्रीज थी इस डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही, वो पैसे के तंगी में थी, जिसके वजह से इतनी प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही थी प्रोजेक्ट्स के और डेवलपमेंट के लिए। साथ साथ 1970s-80s में जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ, उसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी के यूज के ऊपर काइंड ऑफ एक लगाम लगा दी गई, जो
साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और कई लोग जो एटॉमिक एनर्जी का स्कोप बहुत ज्यादा ब्रॉडली देखते थे, उनको कहीं ना कहीं पर रिस्ट्रिक्ट होना पड़ा और ज्यादा केयरफुल होना पड़ा इस एनर्जी के यूज से रिलेटेड। दोनों देशों के बीच में ट्रीटी साइन हो रही थी, क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है वो चीजें डिसाइड हो रही थी यूएसए, रशिया और कई दूसरे देशों के बीच में, जिसके वजह से न्यूक्लियर ट्रेन जो है वो धीरे धीरे कई सारे ऐसी वजह के द्वारा फेज आउट होना शुरू हो गई। बात करें फ्यूचर की तो क्या हमें न्यूक्लियर ट्रेन देखने मिलेगी? मोस्ट पॉसिबली नहीं। आज के डेट में हम जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा डेंजरस है अगर उसे ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन उतनी एफिशिएंट भी है। ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक पर अभी शिफ्ट हो गई है ज्यादातर देशों के अंदर। लोकोमोटिव्स के द्वारा हॉल किए जाने वाले ट्रेन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और ट्रेन सेट्स का जमाना आ रहा है। जो लोकोमोटिव्स के रिक्वायरमेंट्स है, ट्रेन की नीड्स है, वो भी चेंज हो रही है। और बिजली जो एक जमाने में बनाने के लिए कंपैरेटिवली न्यूक्लियर से ज्यादा एक्सपेंसिव बन सकती थी, वो आज के डेट में अलग अलग एनर्जी सोर्सेस में जो एफिशिएंसी का ग्रोथ हुआ है उसकी वजह से सस्ती बनती जा रही है। और हम 10-12 हज़ार हॉर्सपावर के भी लोकोमोटिव्स बना रहे हैं जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर पर चलते हैं। तो सारे रीजन को अगर कंसिडर करें तो जितनी फाइनेंशियल फीसिबिलिटी न्यूक्लियर पावर ट्रेन की 30-35 साल पहले हुआ करती थी वो आज के डेट में उससे भी कम हो गई है। साथ साथ जो जियो पोलिटिकल कंडीशन है दुनिया भर में, तो कुछ भी ऐसे हम चीज अगर करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के साथ में या कोई भी देश करता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा सबके लिए और एक अच्छा रेपुटेशन वहां पर प्रोड्यूस नहीं होगा। और इन्हीं रीजंस की वजह से न्यूक्लियर पावर ट्रेन्स के प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे बंद कर दिया गया और आगे जाकर भी हमें कोई प्रोजेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि कुकु एफएम के ऊपर आपको करेंटली स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है 50% का FIB50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए। तो दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए कुकु एफएम के एनुअल सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करें और चेकआउट के दौरान FIB50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में।